बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। यस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, 14 सितंबर को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए बांग्ला दिवस, बी हिंदी दिवस, सी अंग्रेजी दिवस या डी उर्दू दिवस। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर में निजी स्कूल की मनमानी फीस के विरोध में अभिभावकों द्वारा भागलपुर दुमका मुख्य सड़क को जाम कर किया प्रदर्शन। भागलपुर में निजी स्कूल की मनमानी फीस को लेकर अभिभावकों द्वारा भागलपुर दुमका मुख्य सड़क को जाम कर दिया गया और जमकर प्रदर्शन किया गया। बता दें कि कोरोना काल महामारी के बीच लॉकडाउन को लेकर सभी निजी स्कूल बंद होने से पढ़ाई बाधित था, बावजूद स्कूल प्रबंधक द्वारा अभिभावकों से मनमानी फीस जमा करने का दबाव दिया जा रहा है, जिसके विरोध में अभिभावक सड़क पर उतर गए और मनमानी फीस को लेकर छूट करने की मांग करने लगे। वहीं स्कूल प्रबंधक ऑनलाइन पढ़ाई का हवाला देते हुए पूरी फीस जमा करने की बात कह फीस जमा करने का दबाव देने लगा है, जिसको लेकर भागलपुर के सभी अभिभावकों में आक्रोश व्याप्त हो गया है और निजी स्कूल के खिलाफ फीस में छूट देने को लेकर अभिभावक सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। वहीं निजी स्कूल की फीस को लेकर सरकार लिपापोती करने में जुटी है। माफी देते हैं, ठीक है। हम लोग चाह रहे हैं कि बैठ के हम लोग अर्जन अपना आप में समझौता कर लें, जो प्रिंसिपल बोले कि हम लोग मानने के, हम लोग मानने तैयार है कि नहीं, एकदम तैयार है। अगर हम लोग से बात करती है प्रिंसिपल आके और सारे सारे सब ग्रुप के साथ में, अकेला हम लोग नहीं जाएंगे, अकेला एक एक करके नहीं जाएंगे। जाम किए हम लोग, फीस कहाँ से दें? जब से स्कूल वहाँ नौ क्लास, जब क्लास नहीं कर रहा है तो हम लोग फीस क्यों दें उसको? जब से स्कूल खुलेगा हम लोग क्लास देंगे। अभी सबका बिजनेस बंद है, रूम वाला रेंट मांग रहा है, हम लोग रेंट देंगे, खाने पीने का प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग कहाँ से पूरा करें उसका? समझ नहीं, पूरा प्रेशर दे रही है, फीस जमा कीजिए, फीस जमा कीजिए, फीस जमा कीजिए। जब तक जाम रखिएगा, स्कूल का फी नहीं दे पा रहे हैं भैया, कहाँ से देंगे? तीन तीन बच्चे पढ़ते हैं और इतने दिनों से दुकान बंद है, काम सब बंद है, कहाँ से फी देंगे? इसलिए जाम किए हुए जी। जब तक नहीं देंगे पैसा, अभी बहुत दिक्कत में है, स्कूल फीस से परेशान कर रहा है, कहाँ से देंगे? नहीं दे सकेंगे, इसलिए जाम किए हुए। हाँ, इसीलिए जाम करे हैं। आप बताइए सर, किसलिए? The management of the school, especially in St. Teresa's, my kid is studying here. From the last 6 years, I have never denied for the payment of school fee. लेकिन स्कूल का आपको देखिए कि एक ब्रांच जूनियर स्कूल जिला कैंपस, क्या कहते हैं, जिला परिषद कचहरी के पास है, एक यहाँ अलीगंज में, एक बाईपास में हो गया है। स्कूल पैसा लेकर के अपना एक्सपेंशन कर रही है, लेकिन इतना होने के बावजूद ही आज इस गार्जियन की स्थिति ये है कि किसी का नौकरी चला गया है, किसी का पैसा नहीं है। ठीक है, पैसा आप लीजिए, ठीक है, आप एनुअल फी मना कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ट्यूशन फी, हम लोग का डिमांड है कि ट्यूशन फी में कम से कम एटलीस्ट कम से कम 50% कंसीडर कीजिए। फीस आपका मैनेजमेंट कह रही है कि फीस हम माफ किए हैं, फीस हम कम कर दिए हैं, लेकिन सवाल उठता है कि मार्च से और लॉकडाउन का सर, और फ्रॉम द मार्च टू हम लोग 3 महीना का कम से कम कंप्लीट फीस माफी मांग रहे हैं। लेकिन देखिए, लोकतंत्र है और इंडियन डेमोक्रेसी में ये फंडामेंटल राइट दिया गया है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया कि हम लोग अपनी मांग को पूरी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप लोग का, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने इस चीज़ को समझ रहे हैं। हम चाहते हैं इस मीडिया के थ्रू, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट नवगछिया के खरीक में गलत मोटेशन का महिला ने लगाया आरोप।
खरी प्रखंड के तेलगी निवासी पंकज शाह की पत्नी बबीता देवी ने जिला पदाधिकारी और मुख्यमंत्री को आवेदन देकर आरोप लगाया है कि उनके जमीन का गलत दाखिल खारिज कर दिया गया, जबकि जमीन का केवाला महिला और उसके भैंसुर के नाम से है, लेकिन अंचल कर्मियों ने रिश्वत की प्रत्याशा में पीड़ित महिला के नाम को शुद्धि पत्र से जानबूझ विलोपित कर दिया और जमाबंदी पंजी पर पीड़ित महिला का नाम नहीं चढ़ाया गया। जब रसीद काटने महिला गई तो पता चला कि उसका नाम रसीद में नहीं है। वहीं इसकी शिकायत अंचलाधिकारी से किया, लेकिन कई माह कार्यालय का चक्कर लगाने के बावजूद मेरा मोटेशन सही नहीं हुआ, जिससे पीड़ित महिला मानसिक रूप से परेशान है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर खरीक अंचलाधिकारी निशांत कुमार ने कहा कि पूरे मामले में अनभिज्ञ हूँ, कार्यालय पहुंचकर जानकारी लेंगे और दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 2014 ओकरा बाद छे कि मोटिशन करबेलिए तखनी यही ना हमने से रूपा लाके गरीब लोग से देलिए लगा छे ओहो भी सही नहीं कर लेते। ओकरा बाद एलै बड़का के नाम दर हमर भैंसुर के नाम दर के हमरा नाम नहीं देलको, बुला के लिए दौड़ धूप करे मार धक्का करके निकाल दे गरा गरी करे लगा। ओकरा बाद गलती साथ औरत साथ करे रे लगा करे चाहे रे लगा तो गरा गरी करके निकालिए दे रहे तो हम उसने चल गए दौड़ दौड़ कत 2 महीना से दौड़ते धूपते करके तब हम परेशान हो गए चल गए जाए छे। जब तक कर्मचारी या सीओ ने गरा गरी करके भगा दी छे लगा जाए छे वहां से फिर पैसा मांगे छे पैसा हर बुझ नहीं दिया पार भी लगा गरीब लोग छे ये कहां से मनोबे लगा जाए छे वो बोले तो गरा गरी निकाल छे वहां लड़की से या और से वहां रास बास करे छे वहां नहीं छे कि वहां अथी खोलना छे लगा सरकारी। नारायणपुर में पुलिस ने कार से 93 किलो गांजा के साथ 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के NH 31 बिरबन्ना चौक के पास सोमवार की दोपहर गांजा लोड कर कार जो पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश को जा रही थी, बिहार में चुनाव को लेकर वाहन जांच अभियान के तहत तलाशी के दौरान 8 बड़े पैकेट एवं 11 छोटे पैकेट गांजा को बरामद किया गया है। SDPO दिलीप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बरामद गांजा का बाजार मूल्य लगभग 20 लाख रुपये बताया जा रहा है, जिसका वजन 93 किलोग्राम के आसपास है। वहीं मौके पर संख्या DL4CAB6422 से गांजा सप्लाई के लिए यूपी जा रहे थे। गांजा के साथ कार से उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के सोनारी के हृदयानंद उपाध्याय एवं पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार तालू करके अखिल दास व वेस्ट बंगाल के कुंज बिहारी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के गोपालपुर के सुजीत राय को गांजा तस्करी में संलिप्त को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बरामद गांजा के सैंपल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला कलकत्ता एवं पटना भेजा जाएगा। चेकिंग चल रहा था हम लोगों का, वाहन चेकिंग तो इलेक्शन को लेकर के अक्सर चलता ही रहता है, तो आज वाहन चेकिंग चल रहा था तो इनको सूचना प्राप्त हुआ कि वाहन चेकिंग के दौरान कुछ संदिग्ध लोग गाड़ी में हैं। उसको चेक चाक किए, चेक चाक करने पर उसमें गाड़ी के पीछे वाले सीट और डिक्की के बीच में कुछ पैकेट्स दिखाई हम लोगों को दिया। उसका चेक चाक करने पर पता चला कि ये तो गांजा है और उसमें 3 लोग गाड़ी में सवार थे, तो गाड़ी और 3 लोग और जो गांजा का पैकेट्स है उसको निकाल के वजन किया गया है। तो अभी तक जो हम लोग वजन किए हैं उसके हिसाब से 93 केली गांजा बरामद हुआ है। अनुमानित कीमत मार्केट में इसका सर 20 लाख के आसपास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये लोग यहाँ से बंगाल से लेके आ रहे थे और इधर बेगूसराय से आगे जाते, कहाँ जाते ये तो नहीं बता पा रहे हैं, पूछताछ में पता चलेगा। कार्रवाई कहाँ पर किया गया? कार्रवाई NH 31 पर बीरवन्ना के पास में किया गया। तीनों आरोपी कहाँ का है? तीनों में एक UP देवरिया के रहने वाले हैं और 2 वेस्ट बंगाल के हैं, एक हैं अलीपुर द्वार के, एक कूच बिहार जिले के। कितने पुलिस पदाधिकारी का इस कार्रवाई में योगदान रहा? इसमें बिहपुर थाना प्रभारी थे, भवानीपुर थाना प्रभारी थे, इंस्पेक्टर साहब थे और इनके थाने के और लोग भी थे, मतलब लीडिंग इन्हीं 3 लोगों का था। इसमें बहुत सारे मतलब कॉन्स्टेबल्स हैं और चौकीदार हैं, सारे लोगों का योगदान होता ही है, आप लोग जानते हैं। चेकिंग CO साहब की हो गई तो जैसे ही पता चला कि कुछ पैकेट्स हैं तो CO साहब को भी इन्फॉर्मेशन दिया गया। CO साहब भी आज ड्यूटी में ही थे और स्ट्राइक को लेकर के, हम लोग भी रोड में ही थे, हम लोग भी चले आए। नवगछिया, सुनील दास के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं, माकपा माले ने निकाला प्रतिवाद मार्च। नवगछिया के प्रोफेसर कॉलोनी निवासी सुनील दास हत्याकांड के विरोध में आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर भाकपा माले ने प्रतिवाद मार्च निकाला। प्रतिवाद मार्च नवगछिया स्टेशन परिसर से
वैशाली चौक तक निकाला गया। प्रतिवाद मार्च का नेतृत्व भाकपा माले के जिला सचिव बिंदेश्वरी मंडल, RYA के राज्य सह सचिव गौरी शंकर राय, एपुआ के जिला सचिव रेणु मंडल सहित कई माले नेता मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम के बाद सुनील कुमार दास के परिजन SP नौगछिया से मिलने उनके आवास और कार्यालय पर गए, लेकिन SP महोदया के नहीं रहने के कारण उनके कार्यालय में लिखित आवेदन दिया गया है। वहीं पूछे जाने पर नौगछिया के थानाध्यक्ष अमर विश्वास ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है, मामले में कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई है, आरोपियों के विरुद्ध साक्ष्य मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। थ्रेसर छुड़वाने के लिए जिला परिषद ने की पैरवी, तो बड़ा बाबू ने मांग लिया 10,000 रुपए। जिला परिषद का आरोप, शराब मामले में भी थानाध्यक्ष ने खुलेआम लिया घूस। SDPO ने कहा मामले की होगी जांच। नौगछिया की जिला परिषद भाजपा नेत्री नंदनी सरकार ने ढोलबज्जा थानाध्यक्ष राजदेव प्रसाद रमन के विरुद्ध घुसखोरी करने और फोन पर 10,000 रुपए बतौर घूस मांगने का आरोप लगाते हुए सोमवार को एक ऑडियो टेप भी जारी किया है। सोमवार देर शाम तक ऑडियो टेप सोशल मीडिया पर वायरल था। जिला परिषद का कहना है कि उक्त ऑडियो टेप लॉकडाउन पीरियड का है। एक किसान अपने खेत पर भुट्टा दौनी कर रहा था। नियम के विरुद्ध बड़ा बाबू थानाध्यक्ष ने ट्रैक्टर लगे थ्रेसर को जब्त कर लिया था। जब किसान ने उन्हें सूचना दी तो उन्होंने ढोलबज्जा के थानाध्यक्ष को फोन किया, तो थानाध्यक्ष ने पहले अकड़ दिखाई, फिर थ्रेसर लेने के लिए 10,000 रुपए लेकर किसान को थाने पर भेजने को कहा, जिस पर उन्होंने किसान को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में रकम नहीं देना है। तो थानाध्यक्ष ने कुछ दिन बाद बिना पैसे के ही थ्रेसर छोड़ दिया। छोड़ दीजिए सर, उसका थ्रेसर है, जा रहा था भुट्टा दौनी करने के। लेंगे 10,000 रुपया छोड़ेंगे, केस करेंगे। नहीं छोड़ दीजिए, 10,000 रुपये दिलवाइए। जिला परिषद का आरोप है कि 10 सितंबर की रात शराब के साथ पकड़े गए धंधेबाजों का केस हल्का करने के नाम पर थानेदार ने आरोपियों से मोटी रकम के रूप में करीब 40,000 रुपए लिए हैं। वहीं शनिवार को चोरी के आरोप में रंगे हाथ पकड़े गए चोरों पर कार्रवाई करने के बजाय थानेदार ने 20,000 रुपए लेकर चोरों को थाने लाकर छोड़ दिया। जिला परिषद ने कहा कि उक्त मामले की जानकारी एक पुलिसकर्मी ने उन्हें दी है, जिसका वीडियो उनके पास सुरक्षित है। जिला परिषद ने कहा कि थानाध्यक्ष ने थाने को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है, ऐसे पुलिस पदाधिकारी कहीं भी रहने लायक नहीं है। जिला परिषद ने कहा कि यदि पुलिस के वरीय पदाधिकारी द्वारा थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने को विवश हो जाएंगी। वहीं पूछे जाने पर ढोलबज्जा थानाध्यक्ष राजदेव प्रसाद रमन ने कहा कि सारे आरोप निराधार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनसे जो बातचीत है वो बहुत पहले की है, जिसमें हंसी मजाक में वह बोला चला गया था। जिला परिषद पूर्वाग्रह और निजी स्वार्थ से ग्रसित हैं। थानाध्यक्ष ने कहा कि जिला परिषद नंदनी सरकार के भाई को 2 दिन पहले वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने गाड़ी रोकने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने चेकिंग पर पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल के साथ बदसुल्की की और हो हंगामा करने लगा। सूचना मिलने पर मैं स्वयं भी वहां पहुंचा। इसके बाद उनसे गाड़ी का पेपर मांगा गया। गाड़ी पंजाब नंबर की है, जिसका पेपर भी उनके पास नहीं था। इसके अलावा ड्राइवरी लाइसेंस भी नहीं था। इस संदर्भ में थाना में सरहा दर्ज किया गया है एवं गाड़ी को थाना पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि उनसे पेपर प्रस्तुत किए जाने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि इन्हीं बातों को लेकर जिला परिषद इस तरह की साजिश कर रही हैं। वहीं पूछे जाने पर SDPO दिलीप कुमार ने कहा कि इस तरह की जानकारी नहीं है, अगर इस तरह की बात है तो मामले की जांच की जाएगी। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप, नवगछिया, भागलपुर। अभी कॉल करें 88 73 97 36 80, 8225 6905, या रजिस्टर करें mswtbihar.com पर। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज, त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा, कुर्सी, टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079, 7549683888। उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए।
फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773, 93043-67-170। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में जदयू की अग्नि परीक्षा, चौथी बार विधायक बन तोड़ेंगे रिकॉर्ड। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र का गठन 1957 ईस्वी में हुआ। यहां के पहले विधायक बनने का गौरव सैदपुर निवासी सीपीआई के स्वर्गीय कॉमरेड मनीराम सिंह उर्फ गुरुजी को प्राप्त हुआ। 1962 में संपन्न हुए बिहार विधानसभा के चुनाव में गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में सिंधिया मकंदपुर की स्वर्गीय माया देवी विधायक बनने में सफल रही। पुनः 1967 में हुए विधानसभा के चुनाव में सीपीआई के स्वर्गीय मनीराम सिंह पुनः विधायक बनने में कामयाब रहे, परंतु 1969 ईस्वी में हुए बिहार विधानसभा के मध्यावर्ती चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में हरनाचक निवासी स्वर्गीय मदन प्रसाद सिंह विधायक बने। स्वर्गीय मदन प्रसाद सिंह पुनः 1972 में विधायक बने। गोपालपुर के स्पर संख्या 5N1 में कटाव शुरू। गंगा नदी के जलस्तर में कमी होने पर इस्माइलपुर बिंटोली के बीच स्थित स्पर संख्या 5N1 पर 7-8 मीटर पर कटाव होने की सूचना पर बाढ़ समीक्षात्मक बल के अध्यक्ष इंजीनियर गिरजानंद सिंह व कार्यपालक अभियंता इंजीनियर अनिल कुमार कटाव स्थल पर पहुंचे और स्पर के ध्वस्त हुए नोच को कास्टर करने का निर्देश दिया है। गोपालपुर, सर्प दंश से 10 वर्षीय बच्ची की गई जान। गोपालपुर थाना क्षेत्र के बिंदटोली निवासी काबुली पीलवान के 10 वर्षीय पुत्री की जान सांप के काटने से चली गई। मिली जानकारी के अनुसार अहले सुबह 4 बजे स्वाति कुमारी को सर्प ने दंश किया। तत्काल परिजनों द्वारा उसे इलाज हेतु पीएससी लाया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए मौके पर मौजूद चिकित्सक ने अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया भेज दिया। वहीं मायागंज जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। हरिवंश को पुनः उपसभापति बनाए जाने पर नौगछिया जदयू परिवार में छाई खुशी की लहर। जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सदस्य व एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार श्री हरिवंश नारायण सिंह को पुनः दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के पद पर निर्वाचित किए जाने पर नौगछिया जदयू संगठन जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, जदयू मीडिया सेल, नौगछिया के जिला संयोजक रवि कुमार सहित कई अन्य जदयू के नेता ने बधाई दी है। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज, त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा, कुर्सी, टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979-85-0079, 7549-68-3888। उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787, 7325052437। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773, 93043-67-170। बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787, 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नौगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नौगछिया।